हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि देखते हैं कि अगर आपके पर्सन रिटर्न होते हैं तो क्या वो ट्रस्ट वर्दी हैं, क्या हम उन पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो फुली चेंज हो जाएंगे तभी आप उनसे बात करेंगे। दैट्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज। सब स्टार कार्ड आ रहा है तो इसमें डेफिनेटली आपके स्टार्स अच्छे होंगे तभी आपके पर्सन आपके पास रिटर्न होंगे। समझ रहे हो, आप दोनों के स्टार्स बहुत अच्छे होंगे ऐसे बोल सकते हो। और स्टार कार्ड का एक मतलब है होप का कार्ड है, तो आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए कि हाँ कि पर्सन चेंज होगा कि नहीं होगा। आपको क्या गॉड पे भी बिलीव करना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए। अभी आपके हो सकता है कि आप लोग दिन अभी तो एकदम नॉन कम्युनिकेशन मोड में हो, कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो, जो कंडीशन उनके घर में भी चल रही है या उनकी लाइफ में चल रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा लोनली भी फील कर रहे होंगे क्योंकि जजमेंट कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली एक अवेकनिंग तो स्टार्ट हो रही है उस पर्सन की, कि जो कंडीशन गुजर रहे हैं, जो लेसन्स वो लर्न कर रहे हैं और जो यूनिवर्स उनको लेसन्स टीच कर रहे हैं उसे डेफिनेटली एक अवेकनिंग प्रोसेस से स्टार्ट। जजमेंट एक डेफिनेटली अवेकनिंग प्रोसेस का कार्ड होता है। इसमें देख रहे हो आप इंसान की सोल कैसे बाहर निकल रही है। यहाँ पे इंसान ऐसे प्रेयर्स में लगा, उसकी सोल बाहर निकल रही है, आप देख सकते हो। तो एक सोल अवेकनिंग होती है। सोल अवेकनिंग कब होती है? मोस्टली जब सोल शॉक्स लगते हैं या डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है तभी इंसान को अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जैसे आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही डिटो आपके पर्सन की अवेकनिंग भी स्टार्ट होगी, उनके साथ में लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, उनके फैमिली मेम्बर्स या जैसे जिस तरह से आपको सोल शॉक लगा, आपके पर्सन जैसे आपसे बात नहीं करते थे, आप सेपरेशन मोड में आए और या आपके फैमिली मेम्बर की कोई वजह से आपका सपोज है ना बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपको वो टिपिकल नंबर्स दिखना, अपने पार्टनर का नाम दिखाई देना, वो सब आपको दिखना शुरू हो गया, तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। सबके अलग अलग केस के अलग अलग होती है। तो जैसे आपके पर्सन को डिट्टो वैसे हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर से कोई उनको ऐसे बुरा किया हो, या उनके अभी उनके पार्टनर के साथ में उनका फाइट हो गया, आपके साथ में फ़ाइट हो गया, या थर्ड पार्टी से उनका फ़ाइट हो गया, तो वो सोल शॉक है उनके लिए। तो वो सोल शॉक लगते हैं तो इंसान को ना बहुत ज़्यादा ही एकदम इंसान को समझ नहीं आता क्या हो गया मेरे साथ में, तब उनकी सोल ना आत्मा बाहर निकलती है ऐसे बोलते ना, तो वो रोती है। तो दैट्स द थिंग। तो वो उनको नंबर्स दिखाई देना शुरू होते हैं, आपके नेम्स दिखाई देना शुरू होते हैं हर जगह, उसको बोलते हैं सोल शॉक। और इसको अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होना भी बोलते हैं। लेकिन जैसे आपके एक दिन में अवेकनिंग नहीं, वैसे भी उनकी भी अवेकनिंग होगी तो उनको भी टाइम लगेगा ना, बिकॉज कभी भी जो रनर होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उनको वो फैक्ट एक्सेप्ट करने में, सब चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एस ऑफ वैंड्स कार्ड हो सकता है कि उनको आपको बहुत ज़्यादा मिस करे, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि अगर उनका कंप्लीट ब्रेकअप हो जाए थर्ड पार्टी से, आपके पास एक बार स्टार्टिंग में आए कंप्लीटली अवेकन ना हो, तो कंप्लीटली अवेकन ना हो तो हो सकता है खाली आपसे इंटीमेसी की बात करे, मतलब ये पैशन का कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, तो हो सकता है खाली आपके इंटीमेसी की बात करे, सेक्स की बात करे, या बहुत ज़्यादा है ना मिस्चीवियस बात करे। तो समझ लीजिए अभी भी वो अनअवेकन है आपके पर्सन, अभी भी कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी नहीं है। क्योंकि जब तक पर्सन कंप्लीटली अवेकन नहीं हो जाता है, जब तक वो कम्प्लीटली है ना रियलाइजेशन नहीं कर रहे थे कि दिस रिलेशनशिप इज़ बियॉन्ड सेक्स, बियॉन्ड लस्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, मतलब ये सोल टू सोल कनेक्शन जैसे आप एग्जैक्टली फील करते हो अनकंडीशनल लव, तो वो अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ हर केसेस में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इन काफ़ी केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी भी बहुत पैशनेट होंगे जब आएंगे तो भी, तो आपको क्या उनकी डिमांड्स को येस नहीं बोलना है। आप जैसे बोल दिए हाँ कि फिजिकल होने के लिए बोल रहे हो, तो आपको कम्प्लीटली नो बोलना है वो सिचुएशन में। आपको अपना स्टैंड लेना है, अपने डिसीजन लेने हैं इस सिचुएशन में, कि नहीं कि आपको 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 एक ना स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में, ना कि ये सब इन एंड आउट, क्योंकि नहीं तो फिर वो कम्प्लीटली अवेकन नहीं हो सकते। हो सकता है वो आपसे कम्प्लीट ज़्यादा भी बातचीत ना करे, आपको अवॉइड करें 3-4 महीने के लिए, वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपको वो करना होगा, आपको अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए तो आपको उनको अवॉइड करना होगा। आपको वो सब आप अपनी अपनी कंडीशंस पे, कंडीशंस नहीं अपने अपने बोलते ना अपने विचार के ऊपर आगे चलना, कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि लव में कभी भी कंडीशंस नहीं होती है, वो सब चीज़ के सेकेंडरी होती है। फिजिकल रिलेशनशिप और ये सब चीज़ सब सेकेंडरी होती है, फर्स्ट होती है एकदम प्योर अनकंडीशनल लव, एक अलग तरह का बॉन्ड फील करना। उस तरह का बॉन्ड जब तक वो नहीं बोलते आपको उस तरह के मैं आपके लिए इस तरह से फील करता हूँ, उनकी थिंकिंग में, उनके बातचीत में जब तक मैच्योरिटी आपको फील नहीं होती है तब तक वो पर्सन अवेकन नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे नहीं बोल सकते ट्रस्टवर्दी नहीं है। डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी है, लेकिन उनको अवेकन होने में टाइम लगेगा ऐसे बोल सकते हो। बिकॉज मनी, लव, लस्ट, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ये सब चीज़ सेकेंडरी हो जाती है।
तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो मुझे दिखती है आगे होते हुए, जब वो आ जाएंगे फुली अवेकन होके तो एक डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन को थोड़ा अवेकनिंग होने में थोड़ा 5 ऑफ्स और ज़्यादा तो उनको बहुत ऐसे स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा कि वॉट इज़ दिस, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपको एग्जैक्टली हुआ था ना ऐसे, वही तकलीफ उनको भी गुजरनी तो पड़ेगी, तो वो डेफिनेटली उनके साथ में हो सकता है, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि उनके भी कुछ कर दिया है क्या, ऐसा क्यों मैं इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा आपके लिए फील कर रहा हूँ। जैसे एग्जैक्टली आपको फील होता है ना कि मैं क्यों इस पर्सन को भूल नहीं पाती हूँ या पाता हूँ, वैसे एग्जैक्टली उनको भी लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये पर्सन मुझे इतना क्यों खींचता है, क्यों मैं इसको भूल नहीं पाता हूँ या पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ना भी बोल रही है, सब कुछ बोल रही है तो भी मैं इसकी तरफ ही आता हूँ। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लगती है आपके पर्सन के केस के अंदर। तो अगर वो थोड़ा अनअवेकन आए तो, क्योंकि ये जब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी से टूट जाए तो वो अवेकन ही हो गए फुल्ली, क्योंकि वहाँ सोल शॉक लगता है। सोल शॉक में इंसान क्या होता है, किसी से सहारा ढूंढने जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास सहारा ढूंढने आए एक बार, लेकिन आप कंप्लीट हो जाओ, सहारा नहीं देना आपको, समझ रहे हो, आपको सहारा नहीं देना, आपको सहारा नहीं बनना, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, उनको भी इंडिपेंडेंट बनना है, वो खुद सीखेंगे अपनी लड़ाई उनकी, जैसे आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, खुद अपने इंडिपेंडेंट हुए हो इमोशनली फाइनेंशियली, वैसे उनको भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती एकदम ही छोड़ दो उनको, कभी बात कर देते हो, हाँ थोड़ी बहुत बात कर ली, लेकिन एकदम ऐसे सपोर्ट सिस्टम, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आर यू फेल ना, आर यू गुड ना, ऐसे सब करने की ज़रूरत नहीं है। भी मुझे टावर कार्ड लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी जब कम्प्लीटली अवेकन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत शॉकिंग सिचुएशन होगा, क्योंकि ये थर्ड आई ओपनिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली पर्सन की थर्ड आई ओपनिंग होगी तो उनके लिए भी एक शॉकिंग सिचुएशन होगी ये सब चीज़, कि ये इतना प्योर और इतना अच्छा रिलेशनशिप था, मैं क्यों नहीं समझ सका या समझ सकी, ये चीज़ उनके लिए डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडिंग, क्योंकि वो जितने ईगो में थे और जितने हवा में उड़ते थे ना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ दिस एंड दैट काइंड ऑफ, वो उनका सारा नीचे आएंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देना सामने वाले को बहुत ज़रूरी है, सामने वाले की रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करना ज़रूरी है, आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि ग्राउंडिंग होना किंग ऑफ पेंटिकल्स में एक ग्राउंड पे आना, ग्राउंड से टच होना, अपने जड़ों से जुड़ना, जब अपने जड़ों से जुड़ना शुरू करेंगे तो वो सब जो इनको ईगो है, मनी ईगो है, लुक्स का ईगो है, या कोई भी चीज़ का ईगो है, उनको फलाना ढिकड़ा जो भी बोल सकते हो आप, तो वो सब चीज़ें उनकी नीचे गिरेगी, क्योंकि टावर कार्ड है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस चालू रहेगा ना उनका, तो वो सब चीज़ में उनका ईगो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरेगा, तो वो चीज़ हो सकता है कि कभी कभी आपसे अच्छे से बात ना करें, आपको उनको लगेगा कि आप ईगो दिखा रहे हो, बहुत अभी रन कर रहे हो, उनको इस तरह की फीलिंग आ सकती है, क्वाइट पॉसिबिलिटी, लेकिन इट्स होने दो उनको जो हो रहा है, क्योंकि वो नहीं होगा तो तब तक वो उनकी अवेकनिंग जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी सेम अवेकनिंग उनकी भी, आपकी जैसे अवेकनिंग है वैसी ही उनकी अवेकनिंग गॉड कराएगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा ही होता है। और ये देखो ये ना एम्परर कार्ड है, तो डेफिनेटली इसमें देखो एम्परर रिवर्स खुल है, तो डेफिनेटली जो मतलब रिवर्स मतलब बैक साइड में वो अपना बैक दिखा रहे, तो डेफिनेटली वो जो इनका ईगो था बहुत ज़्यादा स्टबननेस थी, वो अभी अपने वो पीछे रखेंगे, समझ रहे हो, हमेशा आगे आपके सामने एक स्टैंड लेके रखते थे, नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, नो डोंट मैसेज मी, नो डोंट डू दिस, ये सब जो बोलते थे वो सब बैक में जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ना तो यूनिवर्स का टावर तो गिरने वाला ही है, यूनिवर्स तो डेफिनेटली वो अपना गेम प्ले करेंगे, उनका वो ईगो डाउन करेंगे, लेकिन मुझे रिवर्स में खुला है तो मुझे लगता है उनको समझ में आ जाएगी ये बात कि आई कांट शो ईगो इन फ्रंट ऑफ लव, समझ रहे हो, लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, तो ये डेफिनेटली आप समझ के चलना। और जो लोग के पर्सन थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा ही है ना अपने आप को ग्रेट समझते हैं और बहुत ज़्यादा किसी को कुछ समझते ही नहीं है, आपसे बुरी तरह से बात करते हैं या आपको गालियाँ दे देते हैं, कभी कभी बहुत गंदी तरह से बात कर देते हैं, तो इनका ईगो शैटर होने में थोड़ा टाइम लेता है, उनमें तो गॉड को रोल प्ले करना ही पड़ता है ऐसे लोगों को, ऐसे लोग मानते ही नहीं है, चाहे कितना भी कर लीजिए आप। हाँ वेस्ट चक्र, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ रीच आउट डेफिनेटली करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि अगर ये ब्रेकअप होने के बाद में वो डेफिनेटली रीच आउट आपको डेफिनेटली करेंगे आपके पर्सन, लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको बैलेंस रहना है, कुछ ही मैसेज करो तो ऐसे नहीं कि वो पहला मैसेज किया और आप दुनिया जहाँ की बातें करने बैठ गए, दो घंटे नहीं, सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए कभी भी। फर्स्ट अगर आपके पर्सन कॉल कर रहे हो और बेस देखो मैं बोल रहा हूँ उनको ग्राउंड होना ही पड़ेगा, बेस चक्र काटा वो डेफिनेटली ग्राउंडिंग एनर्जी में आएंगे, उनका ईगो शैटर होगा
और वो एक ना जो ऐसे बोलते हैं ना इनका ईगो ईगो का मोस्ट बोल सकते हैं, ईगो और वो सब चीज़ जो उनकी जो घमंड है वो सब उनका डेफिनेटली नीचे आएगा, उनका रूट चक्र स्ट्रांग होगा उससे, और तभी आपका बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। आप ऐसे बोलते हैं ना अपने एस ऑफ का ये एस ऑफ कप्स ऐसे एस ऑफ पेंटिकल्स भी बोल सकते हो, तो अपने अबेंडेंस की तरफ आप मूव करोगे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ोगे और रीबिल्ड करेंगे इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप रीबिल्ड मतलब रीबिल्ड प्रोसेस में आएगा धीरे धीरे, बट आपसे बोलते हैं एक ही दिन में हो जाने, क्योंकि धीरे धीरे आएंगे वो, उनका ईगो डाउन होगा, उनको रिलेशनशिप समझ में आएगा, वो बहुत हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगे और बहुत ज़्यादा अपना हार्ट एक्सप्रेस करके बताए कि किस वक्त उन्होंने कैसा फील किया, आपने उसे उनको मैसेज किया था वो कैसे फील कर रहे थे, आपको मैसेज करना चाहते थे लेकिन नहीं किया, हर छोटी बात आपको छोटी से बड़ी बात आपको बताएंगे और आपका बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, फिर आप एक मैरिज में और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आगे बढ़ेंगे एक दूसरे से हर बात शेयर करते हुए। बार 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 ये दोनों तीनों बार वही कार्ड्स खुल रहे, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, डिक्रीज देखो मैं, और इनका ईगो डेफिनेटली डिक्रीज होगा, हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो अभी वो भी मुझे डिक्रीजिंग लग रहा है, क्योंकि हीलिंग लाइट डेफिनेटली उनको यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। जब अवेकनिंग आती है, जब आपकी अवेकनिंग आई थी तो कैसे आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे थे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको ये चैनल भी पता चला, आपको एक हीलिंग यहाँ से भी मिली, तो वैसे उनको भी कुछ ना कुछ गॉड हीलिंग कराएगा उस तरह से। फिर आपका अबेंडेंस का कार्ड खुलता है इंक्रीज का, आपका लव अबेंडेंस, रोमांस अबेंडेंस, जो भी आप चाहते हो वो सब मिलता है इंसान को, समझ रहे हो कि सभी चीज़ मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन दोनों की अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये प्रोसीजर एक जन का नहीं है, दोनों जन का है ना, क्योंकि आप हो तो आप, अगर आप ट्विन फ्लेम है तो वो भी तो ट्विन फ्लेम है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक ही सोल है आप लोग दोनों, लेकिन कुछ की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है तो क्या कर सकते हो। देखो ये अभी कंप्लीशन में आप लोग का माइंड, उनका माइंड अभी बहुत जंबल्ड अप, आप सोच सकते हो किस तरह से वो किस एनर्जी में भी एट प्रेजेंट चल रहे हैं, तो उनकी कंडीशनिंग अभी ठीक नहीं है ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो उन्होंने आपको दिया वो चीज़ वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा ऐसे हो सकता है कि छुप भी रहे हो थोड़ा बहुत लोगों से, आपसे थोड़ा छुपने की कोशिश कर रहे कि लोगों को मेरी फीलिंग्स नहीं मालूम पड़े, लेकिन ये कंप्लीशन स्टेज में आप देख रहे हो कि लास्ट पजल है, लास्ट पजल लगा रहे हैं पर्सन, तो ये कंप्लीशन स्टेज में डेफिनेटली ये जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वो कंप्लीशन स्टेज में, आपकी लाइफ में भी कंप्लीशन स्टेज आ रहा है ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझने आया होगा कि आपके पर्सन आएंगे तो आपको किस तरह से उनसे बात करनी है और क्या करना है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम हम चक्रास कितने देर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो चक्रास एवरीडे आप कर रहे हो, 7 चक्रास 5-5 मिनट्स तो एवरीडे करना ही है, 3 एटलीस्ट 3 मिनट्स तो करो, 5 मिनट्स नहीं तो वो तो करना ही है, और कोई भी एक चक्रा को 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा रोज दीजिए एटलीस्ट 1-1 मंथ, तो 7 मंथ्स वो एक्स्ट्रा चला जाएगा, समझ रहे हो, 7 मंथ्स तक वो, फिर आपके सारे चक्र एक्टिव हो जाएंगे, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप एवरीडे सिर्फ 20 मिनट्स भी चक्रास या 30 मिनट्स भी चक्रास करेंगे तो भी बहुत होगा। ओके फ्रेंड्स, होप आपको कुछ आइडिया मिली होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।